Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi dear students, I welcome you all in our next lecture from thermodynamics. And in today's lecture, we are going to discuss second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics पढ़ने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि first law of thermodynamics जो है उसकी limitations क्या थी जिसकी वजह से हमें second law of thermodynamics पढ़ना पड़ रहा है. तो first law of thermodynamics जो है first law of thermodynamics ये हमें कहता था कि energy जो है universe की energy that remains conserved. यहां आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इससे मैंने पढ़ाया था उसमें हमने कहा था कि एज पर फर्स्ट लॉ एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. यहां अगर हम पूरे यूनिवर्स की बात करें यूनिवर्स किससे किसका बना होता है सिस्टम का और सराउंडिंग का. सिस्टम कुछ एनर्जी लॉस करेगा वो एनर्जी सराउंडिंग गेन करेगा. सराउंडिंग कुछ एनर्जी लॉस करेगा वो एनर्जी सिस्टम गेन करेगा. ओवरऑल जो यूनिवर्स की टोटल एनर्जी है दैट रिमेन्स कंजर्व्ड ड्यूरिंग ऑल द फिजिकल प्रोसेसेस और केमिकल रिएक्शंस. दैट वाज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. लेकिन प्रॉब्लम क्या है फर्स्ट लॉ के साथ. फर्स्ट लॉ कहता था इन ऑल प्रोसेसेस वेदर फिजिकल प्रोसेसेस और केमिकल प्रोसेसेस एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड. एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट और कंजर्व्ड. फर्स्ट लॉ हमें कहता था जब भी कोई प्रोसेस हो चाहे फिजिकल प्रोसेस हो या चाहे केमिकल रिएक्शन हो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट. चलो ये तो हमने मान लिया कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है या जब भी कोई फिजिकल प्रोसेस होती है ड्यूरिंग दैट प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन यूनिवर्स की एनर्जी ना तो कम होगी ना तो बढ़ जाएगी. हाँ यूनिवर्स एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ मूव कर सकती है या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ मूव कर सकती है ड्यूरिंग द प्रोसेस. लेकिन ओवरऑल यूनिवर्स की एनर्जी क्या रहेगी फिक्स्ड रहेगी. लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन जो है वो मैं आपको समझाता हूं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये तो कहता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स. बट फर्स्ट लॉ ये आइडिया नहीं देता है कि कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी और कौन सी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगी. उसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें कुछ भी नहीं कहता है. यहां ऐसे में आपको समझाऊंगा कि हीट जो है हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. लेकिन कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट फ्लो नहीं करती दैट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. लेकिन कोल्ड बॉडी से अगर हॉट बॉडी तक हीट जाएगी तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स विल आल्सो रिमेन कंजर्व्ड. फर्स्ट लॉ वैलिड रहेगा फिर भी. लेकिन कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट कभी नहीं जाती. वो क्यों नहीं जाती है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन नहीं करता. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओनली सेज हीट विल फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ड्यूरिंग दैट एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड. बट अगर हम ये सोचे कि हीट अगर कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ आ जाएगी उस प्रोसेस के दौरान भी यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व ही रहेगी. लेकिन कोल्ड बॉडी से हीट बॉडी हॉट बॉडी की तरफ हीट फ्लो क्यों नहीं होती है इसके बारे में हमें फर्स्ट लॉ कोई आइडिया नहीं देता. यह मैं समझाता हूं एक चीज. जब हम पानी एक ओपन कंटेनर लेते हैं ओपन कंटेनर में अगर हम पानी लेते हैं तो वो पानी बाय इट्स ओन इवापरेट हो जाता है. सो ड्यूरिंग द इवापरेशन ऑफ वाटर पानी खुद लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ये एक प्रोसेस है. इवापरेशन एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड वाटर कन्वर्ट हो जाता है इनटू वाटर वेपर. एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड दैट मीन्स फर्स्ट लॉ इज ओबेड. बट ये इवापरेशन जो कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है
जो कि खुद ब खुद हो जाती है। एनर्जी ऑफ यूनिवर्स भी इवापरेशन के दौरान कंजर्वड रहती है, फर्स्ट लॉ वैलिड रहता है। लेकिन ये वेपर्स ऑफ लिक्विड क्यों खुद ब खुद लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते, इसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ भी कंसेप्ट नहीं देता है। या बारिश हो रही है, ऊपर से नीचे की तरफ बारिश हो रही है, तो ये पानी नीचे खुद गिर जाता है और ड्यूरिंग दैट प्रोसेस एनर्जी रिमेन्स कंजर्वड। लेकिन अगर ये पानी खुद से ऊपर भी जाएगा, एनर्जी तो फिर भी कंजर्वड रहेगी, लेकिन ये पानी खुद से ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता, उसके बारे में हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कोई भी कंसेप्ट नहीं देता है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स अस द कंसेप्ट दैट एनर्जी रिमेन्स कंजर्वड, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। बट विच केमिकल प्रोसेस और विच फिजिकल प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और विच इज नॉन स्पॉन्टेनियस, अबाउट दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट गिव अस एनी आइडिया। तो इसीलिए हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना होगा, सो एज टू प्रिडिक्ट कौन सी प्रोसेस नेचर में स्पॉन्टेनियस होगी या कौन सी प्रोसेस नेचर में नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ये चीज प्रिडिक्ट करने के लिए हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करेंगे। लेकिन जो बेटा ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, इसका एक ही स्टेटमेंट नहीं है, इसके बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं। वो सारे स्टेटमेंट्स में आपको आज क्लियर कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए व्हाट इज एक्चुअली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो चीज भी आपको समझ आ जाएगा। सो आई विल टेक स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पहला स्टेटमेंट, ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, all the spontaneous processes or naturally occurring processes all the spontaneous processes or naturally occurring processes are thermodynamically irreversible। फर्स्ट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि जब कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो या जो प्रोसेस नेचर में खुद से हो जाए, वो प्रोसेस हमेशा थर्मोडायनेमिकली इररिवर्सिबल होती है। पानी ऊपर से खुद नीचे आ जाता है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। पानी का खुद ऊपर से नीचे आ जाना ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन इसका जो पानी का खुद से ऊपर जाना ये थर्मोडायनेमिकली इररिवर्सिबल है। फॉर एग्जांपल जो स्टोन है, स्टोन जब एक माउंटेन से स्टोन नीचे आ जाती है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थर्मोडायनेमिकली इररिवर्सिबल है। कहने का मतलब ये स्टोन खुद से माउंटेन के टॉप पे नहीं पहुंच सकती। दैट इज व्हाई सेकंड लॉ इज सेइंग जो भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी नेचर में वो थर्मोडायनेमिकली इररिवर्सिबल होती है। जो प्रोसेस नेचर में खुद ब खुद हो जाए उसका रिवर्स होना स्पॉन्टेनियसली दैट इज नॉट पॉसिबल। बारिश जब होती है पानी ऊपर से नीचे तो आ जाता है, लेकिन नीचे से ये ऊपर तक आसानी से भाई इट्स ऑन नहीं जाएगा। मैं थोड़ा लाइट का थोड़ी लाइट चली गई, मैं लाइट को ऑन कर देता हूं फिर से ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो बेटा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस या नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेसेस दे आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। जितनी भी प्रोसेसेस नेचर में होती है बाय इट्स ओन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस दे ऑल आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल, यानी कि वो प्रोसेस रिवर्सिबली बाय इट्स ओन नहीं होती है। बारिश का होना दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, लेकिन ये पानी का खुद से ऊपर चढ़ना ये थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल है। थर्मोडायनेमिकली ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस नहीं होगी।
या अगर मैंने ये मार्कर नीचे डाल दिया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अब ये मार्कर खुद से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा बिकॉज स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर थर्मोडायनेमिकली इररिवर्सिबल। ये सेकंड लॉ का पहला स्टेटमेंट है कि जब भी कोई प्रोसेस नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो और वो प्रोसेस इररिवर्सिबल प्रोसेस होती है, वो नेचर में खुद ब खुद रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होती। जैसे मैं समझाता हूं एक चीज, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। मैंने एक सिलेंडर लिया है, ये मैंने एक सिलेंडर लिया, इसमें मैं नाइट्रोजन गैस ले रहा हूं, नाइट्रोजन गैस N2 गैस। अब मैंने इसको दूसरे सिलेंडर के साथ जोड़ दिया, ये समझ लो बेटा, मैंने इसको यहां पे दूसरे सिलेंडर के साथ जोड़ दिया और यहां पे इस सिलेंडर में है ऑक्सीजन गैस या हाइड्रोजन गैस। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इस वाले साइड में नाइट्रोजन गैस है और इस वाली साइड में हाइड्रोजन गैस है। अगर मैं ये बीच में कॉर्क हटा देता हूं, बीच में अगर ये कॉर्क हटा देता हूं तो नाइट्रोजन गैस जो है यहां शिफ्ट हो जाएगा, कुछ नाइट्रोजन गैस यहां शिफ्ट हो जाएगा और कुछ हाइड्रोजन गैस यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। अब देख लीजिए, पहले इस साइड नाइट्रोजन गैस था, उस साइड हाइड्रोजन गैस था। जब मैंने बीच में कॉर्क हटा दी तो गैसेस आपस में मिक्स हो गए। सो मिक्सिंग ऑफ गैस जो है ना, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। नाइट्रोजन खुद हाइड्रोजन के साथ मिक्स हो गया, हाइड्रोजन भी खुद नाइट्रोजन के साथ मिक्स हो गया, ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या ये गैसेस खुद ब खुद अलग अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते। दैट इज व्हाई वी से इफ मिक्सिंग ऑफ गैसेस इज स्पॉन्टेनियस, देयर सेपरेशन दैट विल नॉट बी स्पॉन्टेनियस। यही हमें कहता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि अगर एक प्रोसेस वन डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है तो दूसरे डायरेक्शन में वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, वो दूसरे डायरेक्शन में इररिवर्सिबल होगी और वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाएगी इन रिवर्स डायरेक्शन। यानी कि गैसेस का मिक्स होना आपस में, दैट इज स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को करना चाहो रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि अगर आप इन गैसेस को अलग करना चाहो तो अलग ये आसानी से नहीं होंगे। दैट मीन्स देयर सेपरेशन दैट विल नॉट बी स्पॉन्टेनियस, दैट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये आ गया स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। अब आएगा स्टेटमेंट नंबर सेकंड, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का और एक स्टेटमेंट, विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। कहने का मतलब यह है, हमने पहला स्टेटमेंट क्या पढ़ा, जो भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी वो थर्मोडायनेमिकली इररिवर्सिबल होती है, यानी कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। लेकिन अगर हमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को रिवर्स डायरेक्शन में कैरी आउट करना हो, वो प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन में खुद नहीं होगी तब तक जब तक आप किसी एक्सटर्नल एजेंसी का यूज नहीं करोगे। देख लीजिए, पानी जब बारिश होती है तो पानी खुद से नीचे आ जाता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या ये पानी खुद से ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा तब तक जब तक हम कोई एक्सटर्नल एजेंसी, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, तब तक ये बारिश ऊपर खुद से नहीं जाएगी, तब तक ये पानी खुद से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। वही कहने का मतलब है दूसरा स्टेटमेंट कि एक एक्सटर्नल एजेंसी के बिना हम एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को रिवर्स डायरेक्शन में कैरी आउट नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मेरे पास एक हॉट बॉडी और दूसरे साइड से है एक कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी एक साइड से है, दूसरे साइड से क्या है? कोल्ड बॉडी। हीट कहां से कहां की तरफ फ्लो हो जाएगी? हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। दैट मीन्स इट विल बी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सो हीट जब फ्लो होती है वो हमेशा फ्लो होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। लेकिन अगर हम कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट को मूव करना चाहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, ऐसा तभी होगा जब हम किसी एक्सटर्नल एजेंसी का यूज करेंगे। हीट
कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ तभी फ्लो होगी जब हम किसी एक्सटर्नल फैक्टर का यूज करेंगे। कहने का मतलब है, अगर आप कोल्ड बॉडी को हीट करोगे तब जाके कोल्ड बॉडी से हीट हॉट बॉडी की तरफ मूव हो जाएगी। सो वी हैव यूज्ड सम एक्सटर्नल एजेंसी, दैट इज हीट। हमने कोल्ड बॉडी को हीट किया तब जाके यहां से हीट हॉट बॉडी की तरफ फ्लो हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट खुद फ्लो हो रही है, लेकिन कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट खुद से फ्लो नहीं होगी तब तक जब तक आप इसे हीट नहीं करोगे। यानी कि कहने का मतलब है, विदाउट द एक्सटर्नल एजेंसी द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स। समझ आ रही है बात? यहां फॉर एग्जाम्पल एक माउंटेन हमने लिया है, एक माउंटेन लिया है, इस माउंटेन के ऊपर एक स्टोन है, हमने इस स्टोन को सिंपली धक्का दे दिया और ये नीचे आ गया। बाय इट्स ओन इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। को खाली हमें धक्का देना पड़ा और स्टोन नीचे आ गई, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या ये स्टोन खुद ऊपर जा सकती है? नहीं, हमें इसे कंटिन्यूअसली धक्का देना होगा, कंटिन्यूअसली धक्का देना होगा तब जाके ये ऊपर पहुंच जाएगी। यानी कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को रिवर्स डायरेक्शन में करने के लिए आपको किसी एक्सटर्नल फोर्स का, एक्सटर्नल एजेंसी का यूज करना पड़ेगा, तब जाके आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को रिवर्स डायरेक्शन में कैरी आउट कर सकते हो। यही है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा स्टेटमेंट। अगर आप समझोगे पहला और दूसरा स्टेटमेंट सेम ही है। पहला स्टेटमेंट हमें क्या कहता है कि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है नेचर में जो होती है वो थर्मोडायनेमिकली इररिवर्सिबल होती है, वो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाहते हो सेकंड स्टेटमेंट, अगर आप चाहते हो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को रिवर्स डायरेक्शन में करना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको रिवर्स डायरेक्शन में कुछ एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल फोर्स का यूज करना पड़ेगा, तब जाके एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगी। तो ये था दूसरा स्टेटमेंट। अब हम आ जाते हैं थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। थर्ड स्टेटमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देख लीजिए, मैं एक सिस्टम लेता हूं, एक सिस्टम मैंने यहां पे ले लिया है, लेकिन ये कौन सा सिस्टम है? आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिसको मैंने सराउंडिंग से कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया है। न तो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट जाएगी, न तो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट जाएगी, न तो सराउंडिंग से एंटर हो जाएगा यहां पे मैटर, न तो यहां से मैटर बाहर निकलेगा। वो सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ ना तो मैटर को एक्सचेंज करे ना हीट को एक्सचेंज करे, ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अगर इस आइसोलेटेड सिस्टम में, समझ लेना बेटा, अगर इस आइसोलेटेड सिस्टम में एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगी इस आइसोलेटेड सिस्टम में एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, तो उस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की वजह से इस सिस्टम में एंट्रोपी क्या है, बढ़ जाएगी। डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव, चेंज इन एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव। क्योंकि हमें पता है जब भी कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है तो उस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी और रैंडमनेस बढ़ जाती है। तो हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया जिसको हमने कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया फ्रॉम सराउंडिंग्स, सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में यहां पर कोई एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा, कोई मैटर का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इसी आइसोलेटेड सिस्टम में हमने एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कर दी, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करने की वजह से यहां पे एंट्रोपी क्या बढ़ जाएगी। अब देख लो क्यों एंट्रोपी बढ़ जाएगी, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज एकम्पनीड विद द इंक्रीज इन एंट्रोपी। जब भी आप एक आइसोलेटेड सिस्टम में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करो तो उसकी एंट्रोपी हमेशा बढ़ जाएगी। यही है थर्ड स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इन केस आइसोलेटेड सिस्टम इज मेड टू प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली। अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम में एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, देन डेल्टा एस सिस्टम एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये चीज आपको याद रखना है। अगर आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है
जो सराउंडिंग से हीट नहीं ले रहा है, ना ये सराउंडिंग की तरफ हीट लॉस कर रहा है, अगर इस सिस्टम में, जिसका नाम हमने आइसोलेटेड सिस्टम रखा, अगर इसमें एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगी, तो इस सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो हमेशा बढ़ जाएगी। वही है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा स्टेटमेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा एक रूम है, फॉर एग्जांपल ये एक आइसोलेटेड रूम है, ना तो बाहर से एनर्जी अंदर आएगी, ना तो अंदर से बाहर एनर्जी जाएगी। सो एनर्जी चेंज क्या होगा सिस्टम के लिए? जीरो। लेकिन अगर इस रूम में एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गई, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गई, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अंदर हो रही है, तो उसकी वजह से रूम के अंदर क्या बढ़ेगी? एंट्रोपी। अब रूम हमारा क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। सो आइसोलेटेड सिस्टम में अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी तो इस रूम के अंदर जो है एंट्रोपी बढ़ जाएगी। दैट इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, दैट विल बी पॉजिटिव। यही कहता है सेकंड लॉ कि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है, तो उसकी जो एंट्रोपी है वो हमेशा सिस्टम की जो बढ़ जाएगी, डेल्टा सिस्टम विल बी पॉजिटिव। सो दिस वॉज द थर्ड स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम फोर्थ स्टेटमेंट लेते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट, दिस इज वेरी इजी। अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट लें, फोर्थ स्टेटमेंट क्या है सेकंड लॉ का, देख लीजिए। अगर मैं अब नॉन आइसोलेटेड सिस्टम लेता हूं, नॉन आइसोलेटेड सिस्टम, मैंने एक नॉन आइसोलेटेड सिस्टम लिया। नॉन आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? वो एक ओपन सिस्टम होगा, उसमें एनर्जी का एक्सचेंज भी होगा और हीट का एनर्जी सॉरी मैटर का एक्सचेंज भी होगा। एक तो सिस्टम सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करेगा हीट हीट के फॉर्म में, और ये मैटर का एक्सचेंज भी कर सकता है नॉन आइसोलेटेड सिस्टम में। तो देख लीजिए, अगर इस सिस्टम में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की वजह से सिस्टम के अंदर एंट्रोपी जो है मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी, और कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर भी चले जाएंगे और बाहर सराउंडिंग की एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी। एक नॉन आइसोलेटेड सिस्टम, उसमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का होना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की वजह से सिस्टम में भी एंट्रोपी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी, कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर चले जाएंगे तो सराउंडिंग की एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है? सिस्टम अगर नॉन आइसोलेटेड है, उस टाइम अगर हमने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इसमें कैरी आउट कर दी, तो उस टाइम सिस्टम की एंट्रोपी और सराउंडिंग की एंट्रोपी, दोनों की एंट्रोपी जो है उस टाइम बढ़ जाएगी। सो डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स, That will always be equal to positive, अगर हमने एक नॉन आइसोलेटेड सिस्टम लिया। फोर्थ स्टेटमेंट, इफ ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज कैरीड इन नॉन आइसोलेटेड सिस्टम, उस टाइम सिस्टम की एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी, सराउंडिंग की एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी, यानी कि इसका एंट्रोपी चेंज भी पॉजिटिव आएगा और सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज भी पॉजिटिव आएगा, और हम क्या कहेंगे? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, दोनों का जो एंट्रोपी चेंज होगा दैट विल बी पॉजिटिव। तो ये है फोर्थ स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि सिस्टम और सराउंडिंग, अगर हमने सिस्टम नॉन आइसोलेटेड लिया, उसमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाए, तो एंट्रोपी मॉलिक्यूल्स की यहां पे बढ़ जाएगी, कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर चले जाएंगे, सराउंडिंग की एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी। जब सिस्टम की एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी, सराउंडिंग की एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी, तो उस टाइम सिस्टम और सराउंडिंग की टोटल एंट्रोपी चेंज होगा, दोनों का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव ही होगा। वही है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फोर्थ स्टेटमेंट। नाउ सी द लास्ट स्टेटमेंट, फिफ्थ स्टेटमेंट। फिफ्थ स्टेटमेंट is the entropy of universe is continuously increasing. Entropy of universe is continuously increasing. बेटा जो भी naturally occurring processes होते हैं, सारे naturally occurring processes usually spontaneous होते हैं, तो सारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में एंट्रोपी सिस्टम की भी बढ़ेगी, सराउंडिंग की भी बढ़ेगी। और आप जानते हो सिस्टम और सराउंडिंग को जब हम आपस में लेते हैं तो यूनिवर्स बनाता है।
तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के थ्रू सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ जाएगी, तो ओवरऑल यूनिवर्स की एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी। वही है फिफ्थ स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि जब भी नेचर में जितनी ज्यादा स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होंगी, सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी दोनों की बढ़ जाएगी। और कहने का मतलब है एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल ऑल्सो कंटिन्यूअसली इंक्रीज। अब फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बीच में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट लॉ सेज एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कंजर्व्ड, बिकॉज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बाय सेइंग दैट वी से दैट एनर्जी और टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। लेकिन सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ डज नॉट डील विद द एनर्जी, इट डील्स विद द एंट्रोपी। एंड सेकंड लॉ सेज नो डाउट एनर्जी ऑफ द सिस्टम, energy of the universe remains conserved but its entropy is continuously increasing due to the occurrence of spontaneous processes. First law kehta hai ki energy of the universe remains conserved because it can neither be created nor destroyed, but second law says leave energy aside but entropy of the universe that is continuously increasing due to the occurrence of spontaneous processes. So second law is concerned with entropy and first law is concerned with energy. While as per first law, energy remains conserved, but as per second law, entropy of the universe is continuously increasing. So, agar hame ek hi statement lena ho, first law aur second law ka, ek combined statement, universe ke related, wo kya aega? The energy of the universe remains conserved, but its entropy is continuously increasing. यही है combined statement of first law and second law. So इस law में हमने कुछ कोशिश कुछ statements दिए second law of thermodynamics के। So इसके साथ ही second law of thermodynamics complete हो जाता है। इंशाल्लाह हम next lecture में पढ़ेंगे thermodynamics का last question जो है that is Gibbs free energy, और Gibbs free energy का concept use करके कैसे हम एक process का spontaneous nature और non-spontaneous nature explain कर सकते हैं वो हम next lecture में पढ़ेंगे। Till then ये lecture अच्छे से note down कीजिए, कोई भी का question अगर हो directly मेरे WhatsApp number पे आप मुझे question कर सकते हैं। So till then take care of yourself and खुदा हाफिज़।